हेलो दोस्तों, आरुष हेल्थ केयर के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अल्ट्रा ब्राइट ट्रिपल एक्शन क्रीम के बारे में, जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस है। दोस्तों, जानेंगे इसकी पूरी डिटेल कि ये क्रीम किस काम में आती है, इसकी क्या कंपोजिशन होती है और इसको लगाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये क्रीम 15 ग्राम की है और इसका एमआरपी 125 रुपये है। दोस्तों, इस क्रीम को लिफोर्ड कंपनी बनाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें हाइड्रोक्विनोन होता है 2.0%, ट्रेटिनोइन होता है 0.025%, मोमेंटासोन होता है 0.1%। दोस्तों, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं ताकि ये मेडिसिन ख़राब ना हो, जैसे मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन। और इसका जो टेम्परेचर पे इसे स्टोर किया जाता है वो 25 डिग्री से नीचे होना चाहिए, और इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और कभी भी प्रेगनेंसी में इसे नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें इसके यूज़ की, तो ये क्रीम मोस्टली क्रीम जो है गोरा करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये क्रीम एक्ने स्कार्स, एज स्पॉट, मेलास्मा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मार्क्स जो कि सोराइसिस और एक्जिमा के कारण होते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्रीम काम कैसे करती है। दोस्तों, इसमें जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो मेलानोसाइट्स को कम करने का काम करता है, और जो मेलानोसाइट्स होती हैं वो मेलानिन बनाती हैं, और जो मेलानिन होता है वही हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेटिनोइन का यूज़ एक्ने और सन डैमेज स्किन के लिए होता है, ये गहरी झुर्रियों को भी मिटाता है। मोमेंटासोन एक स्टेरॉइड है जो कि चेहरे पे होने वाली रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग और इन्फ्लेमेशन और कई तरह के स्किन कंडीशन में यूज़ होता है। दोस्तों, रात में सोने से पहले लगभग 30 मिनट पहले आपको ये क्रीम लगानी है, और आपको कभी भी डायरेक्ट सन एक्सपोजर के कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आपको फिर भी कहीं धूप में जाना पड़ता है तो आप हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए। दोस्तों, इसे यूज़ करने से पहले आपको हमेशा इसके साइड इफ़ेक्ट को चेक करना चाहिए। इसके लिए आपको क्रीम के थोड़े अमाउंट को अपने फोर आर्म पर रब करना है और इस एरिया को बैंडेज से ढक देना है, और उसके बाद अपने हाथ साबुन से धो लेने हैं और 24 घंटे का वेट करना है। अगर इस दौरान आपके इचिंग होती है तो आपको क्रीम का यूज़ नहीं करना है और तुरंत अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। अगर आपकी स्किन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रीम को अपना असर दिखाने में औसतन 4 हफ्तों का समय लगता है। अगर आपको 3 महीने तक कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखे तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।